पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कोच जावेद मियांदाद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जमकर खरी खोटी सुनाई है। और इतना ही नहीं, जावेद मियांदाद ने दावा किया है कि भारत को पाकिस्तान से हमेशा से डर लगता है। दरअसल बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि एशिया कप 2023 के लिए भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान नहीं जाएंगे और ऐसे में एशिया कप को यूनाइटेड अरब अमीरात शिफ्ट कर देना चाहिए। बीसीसीआई चाहता है कि एशिया कप 2023 की मेजबानी भले पाकिस्तान करे, लेकिन वेन्यू न्यूट्रल होना चाहिए। और इस पर पीसीबी ने धमकी दी है कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2023 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत को करनी है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फरीद खान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जावेद मियांदाद के हवाले से लिखा कि भारत को पाकिस्तान से खेलने में क्यों डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर भारत पाकिस्तान से हारा तो नरेंद्र मोदी गायब हो जाएंगे, उनकी जनता उनको छोड़ेगी नहीं। जावेद मियांदाद इतने पर नहीं रुके और आगे कह दिया कि भारत शारजाह से भी भाग गया और जब हम वहां जीतने लगे वो हमने खेलना नहीं चाहता था। वहां की जनता अपने खिलाड़ियों के घरों में आग लगा देती थी और जब वो हमसे हार जाते थे उनके गावस्कर समेत उनके खिलाड़ियों को हमने हार का भारी नुकसान उठाना पड़ता था। जावेद मियांदाद ने कहा कि पाकिस्तान से भागने की भारत की पुरानी आदत है और ये कुछ भी नया नहीं है। मैं उन्हें अपने खेलने के दिनों से जानता हूँ। एशिया कप 2023 कहाँ होता है और क्या पाकिस्तान की टीम 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप से नाम वापस लेती है? इन सब सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही मिल पाएंगे।